निर्विशेष शून्य भाति पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय गौर निताय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि नाम संकीर्तन की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रील प्रभुपाद की जय ग्रंथरा श्रीमद् भगवद गीता की जय। सो हरे कृष्णा, कल के 16th इसमें चैप्टर में आपने जो भी समझा है दैवी आसुरी स्वभाव के बारे में, कौन बोलेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा बोलिए खगेंद्र प्रभु जी। माता जी, अपन ने कल 6 असुरी स्वभाव देखे थे और 26 दैविक गुण देखे थे। आवाज आ रही है? हाँ, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा, अपन ने कल 6 असुरी स्वभाव देखे थे और 26 गुण देखे थे दैवी के। वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है प्रभु जी। एक मिनट, किसी का अनम्यूट करने का है, एक मिनट। ओके, ठीक है, बताइए प्रभु जी। माता जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ ठीक है, हाँ आ रही है अभी। ठीक, मैं बता रहा था कि अपन ने कल 6 असुरी गुण देखे थे और 26 देवी गुण। वेरी गुड। अपन असुरी गुण में देखा था कि वो दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, पुरुषार्थ, अज्ञान, इन्हें देखा था। और दैवी गुण में अपने देखा था निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का वो अनुशीलन, दान वगैरह सब अपने देखे थे इस टाइप से। सो हमारे अंदर ये आसुरी गुण है और जी, हम भगवान के पास भगवान की भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए आसुरी गुणों को छोड़ के दैवी गुणों को अपना है। ओके, सो किस प्रकार इन दैवी गुणों को हम अपना सकते हैं? सो आज के सत्र में जो है कि श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए, किन किन प्रकार की हो सकती है, इसका पूरा वर्णन यहाँ पे आज के इसमें है। और कोई बोलेगा? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ सुदर्शन प्रभु जी बोलिए। नहीं, बोलना तो कुछ नहीं है, खगेंद्र प्रभु जी ने सब बता दिया है। वैसे तो अगर हम जितना बोलेंगे उतना कम है, किंतु मेरा एक सवाल था इस पे। तो कल जैसे हमने आसुरिक गुण और दैविक गुण की चर्चा की, तो पहले हमने ये सुना है भगवान से कि जो कम खाता है या ज्यादा सोता है, कम सोता है, वो सब भी अच्छा नहीं है। तो मेरा सवाल ये है कि अब जैसे कल एकादशी थी, आप लोगों ने भी उपवास रखे होंगे, कई लोग रखते हैं, तो वो किस प्रकार है, मतलब करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? ये एक्चुअली भगवान कृष्ण और देखिए विष्णु के लिए जो भी विष्णु तत्व है उनके लिए रिकमेंडेड है शास्त्रों में कि आपको उपवास रखना चाहिए एकादशी पे। और जो हमारे आचार्य हैं, गोस्वामी हैं, इनके आविर्भाव तिरुभाव ऐसा जो भी
हमको इस्कॉन की कैलेंडर से हमको जो भी ये आता है, इंफॉर्मेशन आती है, उस हिसाब से हम वो सारे उपवास रखते हैं। जन्माष्टमी पे गौर पूर्णिमा है, ऐसे सारे जो इम्पोर्टेंट डे, नरसिंह चतुर्दशी है, इम्पोर्टेंट डेज पे उपवास रखना चाहिए उन दिनों। क्योंकि देखिए अन्न में पाप रहता है, बोलते हैं कि अन्न में पाप रहता है, और कल ही हमने सुना कि जो अन्न खाता है एकादशी को वो गोमांस खाने के जितना बड़ा पाप करता है। तो इसलिए हमको एकादशी पे तो उपवास रखना चाहिए। हाँ, और उसमें बताया है कि जो निर्जला कर सकता है वो निर्जला करे, मीन्स अपने मनमाने ढंग से ये सब नहीं करना चाहिए कि अभी किसी रैली में कुछ भी ऑपोजिशन हमको दिखाना है तो कई लोग ये फास्ट रखते हैं, ऐसे प्रकार के फास्ट नहीं रखने चाहिए। लेकिन ये भगवान के लिए जो हम रखते हैं, केवल विष्णु तत्व भगवान के लिए हम रखे तो ठीक है, मीन्स रखने चाहिए, ठीक है नहीं रखने चाहिए। तो इससे क्या है कि हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। अब जो निर्जला कर सकता है वो निर्जला करे, जो निर्जला नहीं कर सकता है वो सजला करे, और जो सजला भी नहीं कर सकता है वो सफला करे, ऐसा कल हमने सुना था फल खाके। तो वो भी नहीं जमता है तो हम वो फरार खाके, जो भी भगर है ऐसे पूरा खाके हम फास्टिंग रख सकते हैं। फल्ली के कुछ आइटम पर फलाहारे जो ये हैं, ऐसे कुछ खाके फास्टिंग कर सकते हैं, लेकिन अन्न को नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक्चुअली मेरे को कल ही बोलना चाहिए, वेरी सॉरी कि कल ही मेरे को बोलना चाहिए था कि आज एकादशी है, आज उपवास रखते हैं, इसका इम्पोर्टेंस मेरे को बोलना चाहिए था। नहीं नहीं, मुझे लगता है सभी को पता होगा कि कल एकादशी। हाँ, यहाँ जो नहीं, मेरा प्रश्न वही था कि अगर हम मतलब ये उपवास रखते हैं तो ये भी एक तरीके का कम खाना हो गया, तो वो मतलब भगवान के लिए करेंगे तो चलेगा, और हाँ, अगर हम खुद के लिए करेंगे तो चलेगा नहीं, मतलब जैसे भगवान के लिए करेंगे तो दौड़ेगा। हाँ नहीं, मतलब जैसे अभी कोई डाइटिंग करता है तो वो नहीं चलेगा। हाँ, तो अच्छा, वो क्या है कि अपना ये हो गया उसमें, लेकिन ये कैसे है, भगवान की संतुष्टि है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्णा। So, आज की शुरुआत करेंगे। कल का देखिए, कल का दैवीय और आसुरी गुण के बारे में था, तो कनेक्शन क्या है 16th और 17th चैप्टर के बीच में। तो अध्याय 16 में भगवान कृष्ण ने इस बात को स्थापित कर दिया कि जो लोग शास्त्र के अनुसार चलते हैं उनके गुण दैवी हैं। सो वो दैवी गुणों में स्थापित हैं। ओके, और जो शास्त्र के विश्वास नहीं करते, अपने अपने मन ढंग से जो करते हैं वो आसुरी गुण में है। परंतु अर्जुन जानना चाहता है कि जो लोग, कई लोग ऐसे होते हैं कि वो शास्त्र के नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार जो कुछ भी पूजा करते हैं, उनकी स्थिति क्या है। वेदर दे आर इन सतोगुणा, रजोगुणा और तमोगुणा। क्योंकि हमको मालूम है, हम में से कई लोग, अब देखिए कई लोग क्या है कि इसमें आने के बाद, जानने के बाद ढंग से करने लगते हैं, और कई लोगों को क्या है कि हम पहले से कर रहे थे, हम ये छोड़ नहीं सकते हैं, ऐसा पूरा करके जो करते रहते हैं, नहीं तो अपनी पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए कई लोग कई चीजें करते हैं। तो वो किस गुण में आता है, ये अर्जुन का प्रश्न है। वो अर्जुन को डाउट नहीं है, हम सबके लिए उन्होंने ये पूछा है। अब ये 28 श्लोक हैं आज के चैप्टर में, और सेक्शन वाइज इनका डिवीजन है 17.1 to 17.7। व्यक्ति के गुण उसकी श्रद्धा तथा उसकी पूजा को निश्चित करते हैं। सो व्यक्ति किस गुण में है, वेदर ही इज इन सतोगुणा, रजोगुणा और तमोगुणा, उसके अनुसार वो जो पूजा करता है, उसकी जो श्रद्धा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करती है कि वो किस गुण में है। ओके, अर्जुन उस व्यक्ति की स्थिति जानना चाहता है जो पूजा तो करता है परंतु शास्त्र के अनुसार नहीं। सो जब अर्जुन ये पूछता है और भगवान इसका जवाब देते हैं, तो हम अपने आप को, मीन्स वी कैन जज अवर्स, हमने अपने आप को हम समझ सकते हैं कि हमारा जो है वो किस गुण में है, हमारी पूजा, हमारी जो श्रद्धा किस गुण में है। फिर भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्र के अनुसार पूजा नहीं करता, प्रकृति के गुणों द्वारा श्रद्धा के अनुसार पूजा करता है, कि शास्त्र के अनुसार नहीं करता है
वो प्रकृति के गुणों द्वारा ऐसा उसकी जो श्रद्धा हो गई है उसके अनुसार पूजा करता है। सेक्शन टू है 17.8-10, गुणों के अनुसार तीन प्रकार का आहार बताया गया है इसमें। ओके, व्यक्ति किस प्रकार का भोजन पसंद करता है इसे जानकर तीन गुणों के अंतर्गत उसकी स्थिति हम समझ सकते हैं। भगवान कृष्ण सत्वगुणी रजोगुण तमोगुणी आहार की चर्चा कर रहे हैं। सेक्शन तीन है 17.11-13, तीन गुणों के अंतर्गत यज्ञ, तीन गुणों के अंतर्गत यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। सत्वगुण में यज्ञ जब हम संपन्न करते हैं तो वो कर्तव्य समझकर यज्ञ संपन्न करते हैं। कौन बोलेगा कि यज्ञ क्या है, यज्ञ क्या है, कौन बोलेगा? हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम माता जी, बोलो क्या? हाँ बोलिए प्रभु जी। माता जी, यज्ञ है संसिद्धि हरि तोषणम, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना चाहिए माता जी। हाँ वेरी गुड, हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी करते हैं उसको यज्ञ कहा गया है। ओके, सतोगुण में हम कर्तव्य समझकर यज्ञ करते हैं, रजोगुण में फल की आकांक्षा रख के यज्ञ करते हैं, और तमोगुण में अविश्वास के साथ, विश्वास नहीं होता है वो कि कोई करने को बोला है कुछ तो भी कर रहे हैं, ऐसे श्रद्धा नहीं है उसमें। ओके, सेक्शन फोर है 17.14-19, तीन गुणों के अंतर्गत तपस्या, शरीर, तपस्या किन किन चीजों की है? शरीर की तपस्या है, वाणी की तपस्या है और मन की तपस्या है। ये सारी तपस्याएं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में संपन्न की जा सकती है। सो इनमें से हर एक तपस्या, शरीर की तपस्या रहने तो वो भी सतोगुण में रजोगुण में तमोगुण में हो सकती है, वाणी की भी वैसे ही है, मन की भी वैसे ही है। ओके, सेक्शन फाइव है 17.20-22, तीन गुणों के अंतर्गत दान, दान भी तीन प्रकार के हो सकते हैं, सतोगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। और उनके ये तीन गुणों के अंतर्गत जब हम तीन गुणों के अनुसार जब दान करते हैं तो उसका फल भी अलग अलग प्राप्त होता है। सेक्शन सिक्स है 17.23-28, सो ओम तत्सत, निष्कर्ष क्या है, कंक्लूजन, ओम तत्सत क्या है? भगवान के विषय में, इसको परम सत्य के विषय में ओम तत्सत कहा गया है। परम सत्य क्या है? ओम तत्सत। इसीलिए हर एक मंत्र है, वैदिक मंत्र है, उनका उच्चारण हमेशा ओम के साथ किया जाता है, ओम ओम बोल के उसके बाद में वो मंत्र का उच्चारण होता है। हमारे सारे कार्यकलाप तीन गुणों द्वारा दूषित रहते हैं, इन सारे कार्यों को हम शुद्ध कर सकते हैं उनको कृष्ण की सेवा में संपन्न करके। तो कृष्ण की सेवा में संपन्न करके बोले तो ओम तत्सत बोल के। ओके, निष्कर्ष यह निकला है कि यदि हम यज्ञ दान तपस्या आदि परम पुरुष में श्रद्धा रखे बगैर बिना किसी दिव्य उद्देश्य को संपन्न किए जाए तो वे इस जीवन में अगले जीवन में व्यर्थ हैं। So, हम श्रद्धा पूर्वक हमको करना चाहिए और बगैर किसी दिव्य उद्देश्य, हमको कुछ भी नहीं है, हमारा स्वार्थ ही है उसमें, ऐसे इसी मोटिव से अगर किया जाए तो उसमें कोई भी लाभ नहीं है, इस जीवन में भी नहीं है, अगले जीवन में भी इसका कोई लाभ नहीं है। ओके, सो अब हम शुरुआत करेंगे हमारे श्लोकों से। सो भगवत गीता के, अब देखिए हमने यहाँ पे हमने लास्ट हम पोर्शन में है, लास्ट पोर्शन बोले तो 13 के बाद ये थर्ड मीन्स डिटेल में नॉलेज है, ज्ञान योग और कर्म योग दोनों के बारे में डिटेल नॉलेज दिया है इसमें लास्ट विभाग में 13-18 में, और इसमें डिटेल में दिया है। और इसमें प्रकृति, अब देखो पहले हमने देखा जीव के बारे में, फिर बीच के जो भक्ति योग में देखा हमने कि भगवान के बारे में ज्ञान, अब यहाँ पे जो है प्रकृति जीव। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही? हाँ बहुत धीरे आ रही है माता जी, थोड़ा सा वो। ओके ओके ओके, शुरू से धीरे आ रही क्या? अब भी आ रही थी धीरे, 5 मिनट से आ रही है माता जी। ओके ओके, पूछ रहे थे तब ठीक था, अभी बस। ओके ओके, सो
ये जो तीसरा जो विभाग है इसमें क्या है कि आत्मा के बारे में, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इनका क्या कनेक्शन है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा की गई है। ओके, सो भगवद गीता के 15वें अध्याय में भौतिक जगत के वृक्ष का वर्णन किया जिसके साथ अपने संबंध को विच्छेद करके जीव भगवान को प्राप्त कर सकता है। 16वें अध्याय में बताया कि जीव किस प्रकार उच्च लोक तथा निम्न योनि में जा सकता है। ओके, सो तीन गुणों के प्रभाव के कारण। कृष्ण माता जी अभी भी नहीं आ रही आवाज, ये आवाज नहीं आ रही है, बहुत ही एकदम धीरे, बिल्कुल कान को लगा के सुना पड़ रहा है। माता जी आपका कुछ नेट प्रॉब्लम होगा, आवाज आ रहा है ठीक से माता जी? अच्छा आ रहा है माता जी, आवाज आ रहा है। ओके ओके, जितना भी मैं कोशिश करूंगी उसे बोलने की। ओके अच्छा, कितने लोगों को आवाज एकदम धीरे आ रही है? अगर आप हाथ उठाएंगे तो पता चलेगा कि कितने लोगों को आवाज एकदम धीरे आ रही है। अभी आ रही है क्या? अभी आ रही है? हाँ, पहले से ही आ रही है माता जी। ओके, नहीं आ रही माता जी। ओके, जिनको नहीं आ रही, आपकी शायद नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। माता जी आप ईयरफोन्स लगा लीजिए, अच्छा आ जाएगा। अच्छा, ओके देखेंगे, अगर ये नहीं होता है तो फिर ईयरफोन लगा लेती मैं। प्रकृति के हाँ, ओके, जो वेदों का पालन करते हैं वे उच्च लोकों में जाते हैं, जो पालन नहीं करते हैं वे आसुरी योनियों में चले जाते हैं। अब जो लोग अपने ढंग से भक्ति करते हैं, सो अपने ढंग से भगवान, ये भगवान है, मीन्स किसी किसी को भगवान मानते हैं, तो उनकी क्या गति होती है? अर्जुन का ये प्रश्न है, इसका स्टार्टिंग अर्जुन के इस प्रश्न से होता है कि अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुस्तृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी नहीं आ रही क्या? वेरी क्लियर माता जी, क्लियर आ रहे हैं। ओके, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सतोगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? सो यहाँ पे अर्जुन ये पूछ रहा है, अर्जुन तो भगवान का अनन्य भक्त है, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि उसके पूजा वेदर रजोगुणी है, तमोगुणी है, सतोगुणी है। वो तो शुद्ध सत्व भक्ति कर रहा है, तीनों गुणों से वो ऊपर है। लेकिन यहाँ ये प्रश्न पूछ रहा है हम जैसों के लिए कि हमारी जो पूजा है इस प्रकार की हो सकती है। सो हम लोगों को समझाने के लिए कि हमको किस प्रकार की पूजा करनी चाहिए और हम जो पूजा कर रहे हैं उसका फल क्या प्राप्त हो सकता है, ये हमको बताने के लिए यहाँ पे अर्जुन ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ओके, प्रथम श्लोक में अर्जुन भगवान से पूछते हैं। ओके, सो ऐसे लोग देवी देवता या किसी एक व्यक्ति को चुनकर उस पर भगवान के मीन्स भगवान के तरह वो श्रद्धा दिखाते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन जानना चाहता है, वो भगवान नहीं है, उनको भगवान बना देते हैं ये लोग, तो ऐसे ये लोग सफल हो सकते हैं क्या? आज कई लोग भक्त नहीं है जो है, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे ही हैं कि किसी नेता को ही चुन लिया और उनको ही भगवान कह दिया क्योंकि उनके द्वारा हमारा कुछ फायदा हो गया, नहीं तो देवी देवता को ही नहीं, यही हमारे भगवान है बोलते हैं। और भगवान की डेफिनेशन तो पहले ही इसमें भगवान वाच जब आया है तभी प्रभुपाद जी ने डेफिनेशन दी है कि भगवान का अर्थ क्या है, षड ऐश्वर्य से जो 100% षड वैश्वर्य से जो पूर्ण है उनको भगवान कहा जाता है। तो हमको मालूम है कि भगवान कौन है और हमको कंपेयर करके देखना चाहिए कि ये सारे देवताओं में इस व्यक्ति में है क्या। अगर ऐसे हैं और भगवान की लीलाओं के बारे में बताया, भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में बताया, फिर भगवान ने जो लीला की है उनके बारे में बताया, भगवान ने 7 साल की उम्र में गोवर्धन धारण किया था,
ये व्यक्ति ऐसा कर सकता है क्या? नहीं तो भगवान ने 11 चैप्टर में विराट रूप का दर्शन कराया। क्यों कराया? कि ऐसे लोग रहेंगे, ऐसे लोगों को समझाने के लिए कि ये जो व्यक्ति कहता है कि मैं भगवान हूँ, या अगर विराट रूप का दर्शन करा सकता है तो आप उसको भगवान मान लो। ओके उत्तर में भगवान कृष्ण क्या बताते हैं देखिए यहाँ पे। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताम शृणु। यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं तीन प्रकार की श्रद्धा होती है, सात्विकी, राजसी और तामसी। जो लोग शास्त्र के विधि विधानों को जानते हैं परंतु आलस्य तथा कार्य विमुक्तता के वश होकर इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। अपने सतो रजो या तमो गुणी पूर्व कर्मों के अनुसार उनको विशेष स्वभाव प्राप्त होता है। हर एक को अपना अपना स्वभाव कैसे प्राप्त होता है कि उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे जैसे काम किए हैं उसके अनुसार उनका वह स्वभाव होता है। थोड़े से लोग रजोगुणी होते हैं, थोड़े सतोगुणी होते हैं और थोड़े तमोगुणी होते हैं। हमने देखा है कि ये तीनों गुण हर जीव में, ऑल थ्री गुणास आर एग्जिस्टिंग, ऑल थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर आर एग्जिस्टिंग इन ऑल द लिविंग, सारे सब में होते हैं ये तीनों गुण। लेकिन जो जिसका प्राधान्य है वही गुण उसमें दिखाई देता है। ओके और कभी कभी एक गुण में हमको, हम एक व्यक्ति को समझते हैं, अरे ये सतोगुणी व्यक्ति है, हमेशा ऐसे क्वाइट रहता है, ऐसे पूरा जो हम सतोगुण के जो लक्षण है, शांत है, दूसरों की करना, ये सब गुण रहते हुए भी कभी कभी उसके अंदर, हरे कृष्णा ललिता माता जी, कोई प्रॉब्लम है क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या? कुछ प्रॉब्लम नहीं माता जी, फुल क्लियर है। अच्छा ओके तो वैसा ऐसा व्यक्ति हम हमेशा जिसको सतोगुणी समझते हैं, ऐसा व्यक्ति भी कभी कभी एकदम क्रोध प्रकट करता है या जो अनयूजुअल नेचर उसका हमको कभी कभी दिखता है, सर्कमस्टेंसेस। यही हमको दिखाता है कि तीनों गुण हर व्यक्ति में प्रेजेंट रहते हैं। कभी ये ऊपर आता है गुण तो दूसरा ऊपर आता है, कभी तीसरा ऊपर आता है। ऐसे करके हमको समझना चाहिए कि चाहे व्यक्ति एक ही गुण में नहीं रहता है। ओके फिर भी सत्य छोड़कर झूठ को ही, अभी हम लोग को मालूम है राम नाम सत्य है तो भी हम क्या करते हैं, राम नाम सत्य है उसी टाइम बोलेंगे जब किसी की डेथ हो जाती है। क्या उसी टाइम में राम नाम सत्य होता है और उसके बाद और उसके पहले राम नाम सत्य नहीं रहता है क्या? वो तो हमेशा सत्य है, लेकिन हम केवल उस टाइम पे राम नाम सत्य है बोलते हैं। और हम क्या सोचते हैं, भगवान के लिए मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरी तरफ से पंडित भगवान की पूजा करेगा और मैं उसको दक्षिणा दे दूंगा, हो गया मेरा काम। हम पूजा करने के लिए भी तैयार नहीं है, कुछ एम्प्लॉयड जो पंडित है उसको हम पैसे देके उससे भगवान की सेवा करवाते हैं। यदि कई लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगत करता है, उससे हम शास्त्रों के विधि विधानों का वो उसके कहने के अनुसार पालन करता है तो उसकी ये वृत्ति बदल जाती है। पहले वो समझता होगा कि ब्राह्मण पूजा करेगा उसका मेरे को फल मिलेगा, लेकिन जो गुरु गुरु से इस इन बातों को समझ लेता है कि कौन पूजा हम करेंगे तो क्या फल मिलेगा, वो करेगा तो क्या फल मिलेगा, ये सब समझ लेता है तो वो खुद भक्ति, भगवान की भक्ति अपने से करने लगता है। ओके वह अपने आप को तमोगुण से सतोगुण में ला सकता है, जो रजोगुण में है वो भी अपने आप को सतोगुण में ला सकता है। ये कैसे संभव है? प्रामाणिक गुरु की सेवा साक्षात भगवान कृष्ण की सेवा है, इससे हम तीन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। यदि हमें गुरु का निर्देश, कई बार होता है हम किसी को गुरु मानते हैं लेकिन गुरु का निर्देश हमको पसंद नहीं होता है, तो यहाँ पे बताया है अगर हम किसी को गुरु मानते हैं तो भी, तो क्या होता है, हमको उनके निर्देश पसंद नहीं है तो भी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उनके निर्देशों का पालन करें, ये हमारा कर्तव्य है। और इसी से हम तीन गुणों के प्रभाव से बाहर निकल सकते हैं। तीसरे श्लोक में श्रद्धा के बारे में बताया है, श्री भगवान
सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत श्रद्धामयो श्रद्धामयोयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धस्स एव सः। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो श्रद्धा भी सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी हो सकती है। ये भी यहाँ पे बताया है कि श्रद्धा मूलतः सतोगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, परंतु प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से होती है। व्यक्ति द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी हो सकती है। तो देखो, भगवान के साथ अपना यहाँ पे बताया है कि मूलतः आत्मा कैसे है। आत्मा पवित्र है, आत्मा दिव्य है, ओके। और भगवान के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए भौतिक कल्मश, आत्मा का हमने डिस्कस किया है कि आत्मा का साइज इतना छोटा होता है, इसके कारण क्या होता है, इस भौतिक जगत में आते ही आत्मा कलुषित हो जाती है, ओके। उसको भगवान के साथ अपना संबंध फिर से स्थापित करने के लिए उसको भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। और ये शुद्धि कैसे, शुद्ध हम कैसे ही आत्मा को शुद्ध करेंगे, तो ये हमको गुरु, इसके लिए गुरु आवश्यक है। प्रभुपाद जी क्या बताते हैं कि गुरु कोई रबर स्टैम्प नहीं है, जहां हमको चाहिए उसको लगा दिया। मैंने भी कई लोग गुरु बनाना चाहते हैं कि किस लिए, कि समाज में बोलने के लिए कि मेरे भी गुरु हैं, मैंने भी गुरु कर लिया है, बोल के बना लिया है। सो गुरु का ये बोलने के लिए कई लोग गुरु मीन्स गुरु से दीक्षा लेके वो शिष्यत्व स्वीकार करते हैं, लेकिन गुरु के आदेशों को नहीं मानते। सो गुरु का अर्थ है भारी। आपकी सौ धारणाएं, हमारी सौ धारणाएं हो सकती हैं, और यदि हमारी धारणाओं से यदि गुरु का मत भिन्न हो तो क्या करना चाहिए, हमको सौ धारणाओं को छोड़कर गुरु के मत को मानना पड़ेगा। सो अगर हमने गुरु बनाया है तो गुरु जैसा कहते हैं वैसा हमको चलना पड़ेगा। नहीं, गुरु में मैंने तो गुरु बनाया है, लेकिन ये गुरु के ये सारे जो विचार हैं वो मेरे को समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आते बोले तो गुरु बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, ओके। गुरु में श्रद्धा आएगी सतोगुण में रहकर उनकी सेवा करने से, उनके निर्देशों का पालन करने से। सो कैसे गुरु में श्रद्धा आज हमको नहीं है तो कैसे बढ़ेगी, सतोगुण रह के उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका निर्देशों का पालन करना है, और ये टोटल शरणागति है। कल हमने शरणागति के बारे में चर्चा की थी, ओके। फिर चौथा श्लोक है, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जनः। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब यहाँ पे डिस्कवर जो वर्णन आता है कौन किसकी पूजा करते हैं, सो यहाँ पे बताया है कि सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं। तो हम लोगों को, अर्जुन को भगवान ने बताया है, निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओ। सो ये अर्जुन के थ्रू हमको बताया है कि हमने देखा था सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है। कल हमने देखा था, कौन बोलेगा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। अपन ने देखा था तीनों बेड़िया है, तीनों बेड़िया है। कैसी कैसी बेड़िया है ये? सोने की, चांदी की और लोहे की। यस, ये सतोगुण सोने की बेड़ी है, रजोगुण चांदी की बेड़ी है, तमोगुण लोहे की बेड़ी है, और ये बेड़िया हमको बांध के रखने का काम करती हैं, ओके। सो इससे हमको क्या है, इन तीनों बेड़ियों से छूटना है, तीनों गुणों से हमको ऊपर उठना है। ओके। शास्त्रों के अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है,
तो हमको जब हम शुद्ध सत्व में रहेंगे तभी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, नहीं तो सत्व गुण में रह के भी हम देवी देवताओं की पूजा करते रहेंगे। ओके, फिर हम देवी देवताओं का क्या करना चाहिए? हम देवी यहाँ पे अगर बताया है कि देवी देवताओं की पूजा नहीं भगवान की पूजा करनी चाहिए, तो हम तो देवी देवताओं को मानते हैं, तो देवी देवताओं के साथ हमारा क्या कैसा संबंध रहना चाहिए? कोई भी बोल सकता है हरे कृष्णा, जिनको ऑलरेडी मालूम है वो भी बोल सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हरे कृष्णा अर्चना माता जी, बोलिए। देवता भी जैसे भगवान के भक्ति है, उनको भी जो शक्ति मिली हुई है वो भगवान से ही मिली हुई है, तो इसीलिए हमें देवी देवताओं से भी यही मतलब अपनी कोई कामना पूरी करने नहीं बल्कि यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भगवान की भक्ति दे, हम सही मार्ग पे चल सके, क्योंकि वो भी भगवान के भक्त ही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बहुत सही कहा। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा, बोलिए माता जी। माता जी, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन पहले कृष्ण का पूजा करना और बाद में जैसे कुल देवी है या कुल देवता है उनको बाद में, और पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग लगा के फिर उसके बाद कुल देवी देवताओं को भोग लगा के वो हम प्रसाद लेते हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। और देवी देवता की पूजा जो हमारी परंपरा पीढ़ियों से चला रहा है उसको हम रिस्पेक्ट करना चाहिए, देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण केंद्र में रहना चाहिए। ओके हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए ये कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो जाता है कि पूजा करनी चाहिए, हमको देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, क्योंकि हमको जानना चाहिए कि देवी देवता क्या है, कि भगवान के अधिकृत प्रतिनिधि है, भगवान ने उनको पावर दिया है और हमको जो भी मिल रहा है वो देवी देवताओं के थ्रू मिल रहा है, यद्यपि भगवान दे रहे हैं बट स्टिल हम लोगों को मिल रहा है देवी देवताओं के थ्रू। इसके लिए हमको देवी देवताओं को मानना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, लेकिन आदर करना और उनकी पूजा करना अलग बात है। पूजा भगवान की करनी चाहिए, देवी देवताओं का आदर करना चाहिए, ये हमको सीखना चाहिए। हम किसी भी मंदिर में, अब शिवजी के मंदिर में जाने को मना नहीं किया है, हम शिवजी के मंदिर में दर्शन करेंगे तो वहां पे मांगना क्या चाहिए कि आप जैसे राम जी के इतने अच्छे भक्त हैं, आप जैसे राम नाम का जप करते रहते हैं, हमारे अंदर भी आप वैष्णवानाम यथा शंभु बोलते हैं आपको, तो हमको भी ऐसी भक्ति दीजिए, हमारे जो कृष्ण भगवान है या विष्णु तत्व हम जिनको मानते हैं उनके प्रति हमारी भी ऐसी अटूट श्रद्धा हमको भी दीजिए। इस प्रकार देवी के मंदिर में भी अगर जाएंगे तो हमको क्या करना चाहिए कि आप तो भगवान के पास भी ले जाने के लिए आपकी कैपेसिटी है, मीन्स सो आप हमको क्या है, हमारे जो भौतिक हमारी आसक्ति है इसको निकाल के हमको भगवान के पास जाने के लिए समर्थ बनाइए, क्योंकि ये देवी क्या है, दुर्गा देवी तो हमको ये प्रलोभन देती है हमको भगवान से दूर करने के लिए, लेकिन हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि हम भगवान से दूर नहीं जाना चाहते हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं। जब हमारा डिटर्मिनेशन देखेंगे ये देवी देवता देखेंगे तो वो हमको भगवान से दूर करने के बदले हमको भगवान के पास लेके जाएंगे, लेकिन हमारी जो इच्छा है उनके देवी देवताओं के सामने हमको प्रकट करनी चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। ओके, और देखो जब अभी हम तो ये पितरों का वगैरह जो बोलते हैं, श्राद्ध के दिनों में सब लोग श्राद्ध करते हैं, तब क्या करना चाहिए, जो भगवान को भोग लगता है वो भोग ही भोग बनने के बाद पितरों को ऑफर करना चाहिए, ये नहीं कि आज हमारे पितरों का दिन है आज तो भगवान को कोने में रख दिया आज हम पितरों की ही पूजा करेंगे, नहीं, पितरों का जो भी करना है करो लेकिन भगवान को भोग, क्योंकि वो उसीलिए तरसते हैं, और जब हम भगवान को भोग लगाया हुआ प्रसाद उनको खिलाएंगे तो उनका उद्धार हो सकता है। ओके थैंक यू माता जी, हरे कृष्णा। सो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, तमोगुणी भूत प्रेतों को पूजते हैं,
शास्त्रों के आदेश अनुसार केवल भगवान ही पूजनीय है, परंतु जो शास्त्रों को नहीं जानते या उनके उनको नहीं मानते, वे गुणों के अनुसार विभिन्न पूजाएं संपन्न करते हैं। और हमको एक है, हम जनरली देवताओं की पूजा क्यों करते हैं? हमारी कुछ भौतिक इच्छा रहती है। अब भक्ति में आने के बाद हमको एक प्रयास करना चाहिए कि भौतिक इच्छाओं को छोड़ देना चाहिए। हमको मालूम है कि देवी देवताओं की पूजा करने से हमारी भौतिक इच्छाएं बहुत जल्दी मीन्स पूरी हो जाती हैं। ये भाव मन में रख के हम देखो, हमको देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और हमको मांगना चाहिए कि मेरी भौतिक इच्छाएं भगवान मेरी कम कर दो। भगवान की भक्ति करेंगे तो भी, यहाँ पे बताया गया है कि हम देवी देवताओं की पूजा जो भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं वो ना करके अगर भौतिक इच्छा हो तो भी हमको क्या करना चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये भौतिक इच्छा भी भगवान से मांगनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये भक्ति का अच्छा तरीका नहीं है। अब देखिए, भगवान हमको सब कुछ देते हैं हमारे जरूरत के अनुसार। भगवान बोलते हैं योग क्षेम वहाम्यहम, हमको और क्या चाहिए? आपके पास आपको जो जरूरत का सामान है मैं दे देता हूँ, आपके पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, इससे अधिक हमको लालच नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान से भी हमको इन सब चीजों के, ये सब चीजें हमको मांगने की जरूरत नहीं है। हमारी जरूरत भगवान जानते हैं और जरूरत के अनुसार हमको वो दे देंगे। लेकिन अगर भगवान भी देखते हैं ये बिजनेस के लिए मेरे पास आया है, ये मेरी शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहता है, ये बिजनेस मेरे साथ बिजनेस करना चाहता है। सो देखिए, हम भगवान की भक्ति करके अगर हमारा इंटेंशन है कि मेरे को भगवत धाम जाना है तो हमको आसक्ति को कम करना है। इसलिए भगवान से भी हमको मांगना नहीं चाहिए, हमको केवल भक्ति मांगनी चाहिए। लेकिन मैं नहीं बोलती कि हम सब लोग आज वो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कंडीशनिंग है इतने जन्मों से। लेकिन हमारे मन में यही एक ध्येय रहना चाहिए, इंटेंशन एक रहना चाहिए, इस स्टेज तक मैं एक दिन पहुंच जाऊं कि मैं विदाउट एनी मीन्स आसक्ति रहित होकर भगवान की भक्ति कर सकूं। आज हम आसक्ति से करें तो भी ठीक है, क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं है, हम इतने प्योर नहीं है। लेकिन हमारे मन में इच्छा हो कि हम ऐसे प्योर बन जाए कि भगवान जस्ट फॉर ग्रेटिट्यूड आपने जो हमको दिया है इसीलिए मैं आपके आभार प्रकट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं भक्ति कर रही हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, जस्ट आई वॉन्ट टू प्लीज यू, ये हमारा भाव होना चाहिए। सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवता जैसे इंद्र चंद्र सूर्य, ओके, किसी विशेष अभिप्राय से विशेष देवता को पूजते हैं। रजोगुणी लोग यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। अब देखो, दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था तब कोई भी एक कलकत्ता का एक बिजनेसमैन था, करते एक कोई था व्यक्ति, तो वो हिटलर की पूजा करता था। सो हिटलर क्या भगवान है क्या? उसके लिए हिटलर भगवान हो गया क्योंकि वो बिजनेसमैन था। और ये इसने युद्ध छोड़ा तो देखो क्या हो गया, युद्ध काल में इसने काला धंधा करके बहुत धन इकट्ठा किया, उसने धन ऐसा हिटलर के कारण युद्ध हो गया और वो ये शॉर्टेज हो गया और इसके लिए शॉर्टेज के कारण इसको काला धंधा करके धन प्रचुर मात्रा में मिल गया। तो उसने क्या सोचा कि मेरे लिए तो हिटलर ही भगवान है। सो इस प्रकार की हमारी जो टेंडेंसी है ये सही नहीं है। रजो तथा तमोगुणी लोग किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर रूप में चुनते हैं, सोचते हैं कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक समान होगा, फल एक समान नहीं होता है, आप जिसको पूजेंगे उसके अनुसार आपको फल मिलेगा। और पांचवा और छठा श्लोक है, यहाँ भगवान हम लोगों को जो क्लियर बोल रहे हैं हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजनः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः
माम चैवान्त शरीरस्थम तान विद्यासुर निश्चयान। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। यहाँ पे देखो, कुछ लोग ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण करते हैं जो शास्त्र में नहीं है, और ऐसी तपस्या जो करते हैं उनको असुरी वृत्ति के कहा है भगवान ने। वे लोग स्वार्थ प्रयोजन से राजनीतिक कुछ भी उनका एजेंडा हो, नहीं तो सामाजिक कुछ भी हो, समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए ऐसे कुछ भी उपवास करते हैं, ये सब शास्त्र विरुद्ध हैं। जैसे खगे इन्होंने पूछा था अपने सुदर्शन प्रभु जी ने, एकादशी का फास्ट शास्त्र सम्मत है, ऐसे जो भगवान विष्णु तत्व के लिए कहे जाते हैं, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध हैं। कुछ भी राजनीति, कुछ भी हमको ये करना है, सरकार से मनवाना है, ऐसा कुछ करना है, तो आमरण फास्ट वगैरह जो रखते हैं ये सब सही नहीं है। वास्तव में वे लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे करने से शरीर के तत्वों का विक्षोभ, देखो शरीर को हम तकलीफ देते हैं विदाउट एनी रीजन, हम शरीर को कष्ट पहुंचाते हैं। शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास की संस्तुति की गई है। अब हमारे पास एग्जाम्पल्स है, रावण है, हिरण्यकश्यपु है, इतनी सारी तपस्या की थी। हिरण्यकश्यपु तो पैर के नाखून पर 10,000 वर्षों तक खड़ा रहकर तपस्या की, ब्रह्मा जी की संतुष्टि करके, क्या कि मैं ही भगवान बन जाऊं, मेरे को किसी से भी ये नहीं रहे, मैं सर्वश्रेष्ठ बन जाऊं। मौन भी एक तपस्या है कहा गया है, और मौन क्या है, मौन बोले तो चुप रहना नहीं है, मौन बोले तो केवल भगवान के बारे में बताना, भगवान के बारे में बोलना। सो भौतिक विषयों की बात न करके भगवान के विषय में कितने भी घंटे जो बात करता है उसको मौनी है। सातवें इसमें बताया है, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, तपस्तथा दानं तेषां भेदं इमं शृणु। यहाँ पे भगवान बताते हैं भोजन 3 तरह का होता है, यज्ञ 3 तरह का होता है, तप 3 प्रकार का होता है, और दान भी 3 प्रकार का होता है। ये 3 प्रकार का इसका भेद क्या है, इसका वर्णन भगवान यहाँ पे करते हैं। ओके, प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट श्लोक का जो है, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धन रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। सात्विक को कौन सा आहार, सतोगुणी है उनका कौन सा आहार उनको प्रिय है, फिर रजोगुणी को कौन सा है, कट्वम लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुद्र विदाहीन आहार राजस श्रेष्ठ दुख शोकामय प्रदः, अत्यधिक तिक्त खट्टे नमकीन गरम चटपटे शुष्क जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख शोक रोग उत्पन्न करने वाले हैं। सो पेट में अल्सर वगैरह हो जाता है, ऐसे पूरा आहार जो करता है वो राजसी गुणी व्यक्ति होता है। ओके, यातयामं गतरसं पूति पर्युषित चयत् उच्छिष्टम अपिचा मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। सो तामसी लोगों का भोजन कैसे होता है, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, आज हम इसको तामसी कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारा भोजन तो 3 घंटे पहले, हम तो तुरंत रोटी तो ओके जब के जब बना के खिला दी, लेकिन नहीं तो खाना तो कई बार 3 घंटे पहले तो बन जाता है, उसको तामसी कहेंगे तो क्योंकि सब लोग जॉब को जाने वाले हैं, तो ऐसे अगर हम तामसी कहेंगे तो खाना ही बंद करना पड़ेगा। ओके, खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया स्वादहीन वियोजित एवं सड़ा जूठा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोगों को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं।
सो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कौन सा भोजन किसकी उसका उद्देश्य क्या है बोल के, किसी भी भोजन का उद्देश्य होता है आहार या भोजन का उद्देश्य है आयु को बढ़ाना, मस्तिष्क को शुद्ध करना और शरीर को शक्ति पहुंचाना, इसका यही एकमात्र उद्देश्य है। भोजन इसीलिए किया जाता है, यही एकमात्र उद्देश्य है। सो दूध के व्यंजन, चीनी, चावल, गेहूं, फल, तरकारी, ये सब क्या है, सतोगुणी व्यक्तियों के लिए प्रिय है, ये सतोगुणी भोजन है। और दुग्ध है, मक्खन है, पनीर है, सो ये सब निर्दोष पशुओं को मारा नहीं जाता, लेकिन ये दूध से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं सो इससे क्या हो जाता है, हमको आवश्यक चर्बी प्राप्त हो सकती है इससे। ओके, और उसके बाद है कि यहाँ पे बताया है उच्चिष्टम अपि चामेध्यम, उच्चिष्ट भी नहीं खाना चाहिए लेकिन ऐसा बोला है, लेकिन उच्चिष्ट भोजन उसी अवस्था में किया जा सकता है। उच्चिष्ट भी हम खा सकते हैं किसका, जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो भोग भगवान का उच्चिष्ट ही है, तो उसे ग्रहण करना चाहिए क्योंकि हमारे हृदय का भी शुद्धिकरण होता है। और यहाँ पे जो आहार का जो उद्देश्य बताया है, आयु बढ़ाने का, मस्तिष्क को शुद्ध करने का, शक्ति पहुंच, ये सारे उद्देश्य उससे प्राप्त हो जाते हैं। ओके, और उसी प्रकार किसी साधु पुरुष विशेष रूप से गुरु द्वारा ग्रहण किया जा चुका है उसका भी बहुत पावर रहता है, तो गुरु का जो बोलते हैं ना महा महा प्रसाद, उसका भी बहुत मीन्स वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उससे भी हमारे अंदर मीन्स स्पिरिचुअल इसमें हम प्रोग्रेस करते हैं। ओके, सो भोजन को रोगाणुरोधक खाद्य तथा सभी मनुष्यों के लिए रुचिकर बनाने के लिए सर्वप्रथम उस भोजन को भगवान को अर्पण किया जाना चाहिए। अभी 11वें आते हैं हम, 11वें अफलाकांक्षी भी यज्ञो विधि दिष्टो य इच्छते यष्टव्यमेति मनः समाधाय स सात्विकी। यज्ञों में अब देखो इसके खाने के बारे में बताया, आहार के बारे में, अब यज्ञ के बारे में भगवान बता रहे हैं, यज्ञ किस प्रकार का यज्ञ श्रेष्ठ है और सतोगुणी यज्ञ क्या है, रजोगुणी यज्ञ क्या है, तमोगुणी यज्ञ क्या है, उसका फायदा क्या है। ओके, यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। सो भगवत गीता में, पूरी भगवत गीता में अब तक हमने सुना, सो आसक्ति रहित होकर फल की इच्छा न करते हुए, यही हर चैप्टर में हमने सुना है, फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा ना करो, फल की इच्छा ना करो, लेकिन हम में से कितने लोग तैयार हैं कि फल की इच्छा न करते हुए हम कर्म करें। हम तो हरे कृष्णा माता जी, फल की इच्छा के बिना तो हम कुछ सोचते ही नहीं माता जी, ऐसा कैसा फिर आप यहाँ पे भगवत गीता में लिखा बिना फल की इच्छा के करना सब कुछ, हमारे पहले फल ही आता नहीं, भगवान इसीलिए देखो नहीं, किसी भी चीज की रिपीटेशन का अर्थ क्या है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो अब देखो फल की इच्छा, अब इसीलिए भगवान बोलते हैं ना यत् करोषि यद् अश्नासि यज्जोऽसि तदासि यत्। सो हम भगवान को मालूम है ये जीव तो सारे कार्य करेंगे, तो इसीलिए भगवान बोलते हैं आप जो भी करते हो मेरे को अर्पण करके करो, आपको खाना भी है भगवान मेरे को भोग लगा के खाओ, कुछ भी यज्ञ करना है मेरे उसका फल मेरे को अर्पण करो। फिर भगवान ने बताया है कि आप पूरा नहीं दे सकते हो, उसका अंश तो भी दे दो मेरे को, ये भी बताया है भगवान ने। भगवान ने हमारी सृष्टि है, भगवान जानते हैं हमारे अंदर क्या है, भगवान को मालूम है गुण इनके अंदर कुछ नहीं है, हम दोषों से भरे हैं, उन दोषों को कैसे हटाया जाए वो भी भगवान ने बहुत अच्छी से बताया है। आप ये नहीं कर सकते तो वो करो, मन और बुद्धि को मुझ में नहीं लगा सकते तो क्या करो, विधि विधानों का पालन करो, वो भी नहीं कर सकते तो क्या करो, अपना जो भी कमाते हो वह मेरे को अर्पण कर दो, वो नहीं कर सकते तो उसका अंश तो भी अर्पण करो, वो भी नहीं कर सकते हैं तो आप क्या करो, कि ऐसे मीन्स आसक्ति को छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमको समझना चाहिए कि हम भौतिक जगत में क्यों आए हैं, क्योंकि हमको आसक्ति थी,
आसक्ति के कारण भी इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में हम घूमते हैं। भगवान हमको इससे बाहर निकालना चाहते हैं, इसीलिए भगवान बोलते हैं हमारी आसक्ति कैसे हो जाए इसको मीन्स वैसा भगवान करना चाहते हैं। इसलिए भगवान बोलते हैं अगर किसी कारण आप कृष्ण भावनामृत में अपने जो कमाई है वो नहीं लगा सकते तो कम से कम किसी एक ऐसे कर्म में लगाओ, ऐसे कार्य में लगाओ जो परोपकारी कार्य है। सो आप अपनी गाढ़ी कमाई को, पसीने की कमाई को ऐसी जगह लगाओगे तो आपके अंदर थोड़ी सी अनासक्ति आएगी। तो भगवान हमारे लिए इतना पूरा अरेंजमेंट करने को देख रहे हैं, तो किसी न एक कोई ना कोई एक तरीका हमको सूट करेगा और उससे फिर धीरे धीरे अगर हम वो करने लगेंगे तो धीरे धीरे भगवान हमको ऊपर 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 खींचेंगे। लेकिन हमको शुरुआत तो हमको करनी है, सो हमको मन में लाना है और हमारे अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हैं। हमारे मुंह से बोलने से कुछ नहीं होगा, हमारे कार्य भगवान देखेंगे और भगवान को लगता है चलो मेरे बोलने का असर इनके ऊपर हो रहा है तो हमारी भगवान जरूर सहायता करेंगे। ओके, हो गया कि और कुछ डाउट है? हाँ, अच्छे से। नहीं, ये देखो ये प्रॉब्लम किसी एक की नहीं है, ये प्रॉब्लम हम सबकी है। सो एक दूसरे का हाथ पकड़ के हमको आगे चलना है क्योंकि वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, कोई आगे थोड़ा सा कोई पीछे, लेकिन हम सारे एक ही इसमें फंसे हुए हैं दलदल में। सो दलदल में फंसे हुए हमको भगवान ही निकाल सकते हैं, लेकिन हमको दूसरा वो डूब ना जाए एक दूसरे का हाथ तो पकड़ना है, बस इतना ही कर सकते हैं, भगवान निकालेंगे। हाँ माता जी, हरी बोल। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सो देखो सामान्यतः यज्ञ किसी प्रयोजन से किया जाता है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है यज्ञ बिना किसी इच्छा के संपन्न किया जाना चाहिए, इसे कर्तव्य समझकर किया जाना चाहिए। अब जब हम मंदिर में चर्च में वगैरह, यहाँ पे प्रभुपाद जी ने चर्च का भी वर्णन किया है क्योंकि वहां के लोगों को भी बोल रहे थे, तो भगवान बोलते हैं कि हम जाते हैं कुछ भी अनुष्ठान करते हैं तो उसके पीछे कुछ पर्पज रहता है, हम पैसे खर्च करेंगे धन का ये करेंगे लेकिन उसके कुछ पीछे कुछ पर्पज है, मैं ये करूंगी तो उसमें उसका मेरे को ये फल मिलेगा। यहाँ भगवान बोलते हैं मनुष्य को चाहिए कि वह कर्तव्य मानकर मंदिर या गिरजाघर जाए, भगवान को नमस्कार करे, फूल तथा भोग ऐसा प्रसाद चढ़ाए, भोग नहीं वो भोग चढ़ाए। सो हम तो अरे मंदिर में जाके क्या करना है, कुछ ये पूजा वगैरह करनी है तो मंदिर जाएंगे, नहीं तो मंदिर में क्यों जाने की जरूरत है, ऐसे सोचने वाले लोग हैं। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान को नमस्कार करने के लिए तो जाइए, जब जाओ ये कुछ ना कुछ लेके जाइए। ओके, केवल अर्च विग्रह को नमस्कार करने जाइए, इससे मनुष्य सत्वगुण को प्राप्त होगा। सो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, फिर भगवान ने ऑलरेडी बोल दिया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, इतने आसान तरीके से तुम मेरे को खुश कर सकते हो, इतना तो दे सकते हो। सो और भगवद गीता में बोलते ही है यत् करोषि यद् अश्नासि। सो धीरे 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 सो कड़वी दवा है, हम पीना नहीं चाहते हैं तो वैसा मिश्री घोल घोल के हमको पिला रहे हैं कि ये आपको करना है नहीं तो आपकी बीमारी से आप छूट नहीं सकते बोल रहे हैं। प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों के आदेशों का पालन करे और भगवान को नमस्कार करे। अभिसंधायतु फलम दम्भार्थमपि चैव यत् इजते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धिराजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी मां जानो। अब कई लोग देखो यज्ञ करते हैं क्यों, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए लोगों को कि मेरी कैपेसिटी इतनी है। सो ये दंभ पूर्वक किया गया गर्ववश किया गया यज्ञ राजसी है। कभी कभी स्वर्गलोक पहुंचने या किसी भौतिक लाभ के लिए यज्ञ तथा अनुष्ठान किए जाते हैं, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान राजसी माने जाते हैं। विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके शास्त्र में बताया उसके विपरीत ढंग से जो यज्ञ करते हैं, प्रसाद वितरण नहीं करते,
वैदिक मंत्रों का उच्चारण नहीं करते, पुरोहितों को दक्षिणा नहीं देते और श्रद्धा से नहीं करते हैं, वह तामसी यज्ञ है। दैव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसाम च शारीरम तप उच्यते। अब यज्ञ का हो गया, अब भगवान बता रहे हैं तप के बारे में, तीन प्रकार के तप कैसे हैं। तीन प्रकार के तप हैं और तीन मीन्स इसमें भी जो तप हैं, तीन तप हैं बोले तो शारीरिक तप है, शरीर का तप है, फिर वाणी का तप है और मन का तप है। ये भी तीन प्रकार के तप हैं। एक तो सतोगुणी हो गया, रजोगुणी हो गया, तमोगुणी हो गया। लेकिन शरीर का भी ये तीन प्रकार का तप है, वाणी का भी ये तीन प्रकार का तप है और मन का भी ये तीन प्रकार का तप है। परमेश्वर देखो, परमेश्वर ब्राह्मणों गुरु माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता सरलता ब्रह्मचर्य अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। सो माता पिता को गुरु को भगवान को प्रणाम करना और पवित्रता, पवित्रता जो है हमको, हमने डिस्कस किया है आंतरिक पवित्रता और बाहरी पवित्रता। आंतरिक पवित्रता के लिए भगवान की पूजा करना है, भगवान नाम का जप करना है। ओके सो बाहरी तपस्या ये है क्या है शरीर का कि भारी शुद्ध रखना है। आंतरिक तथा बाह्य रूप से अपने आप को शुद्ध करने का अभ्यास करें। आचरण में सरलता, डुप्लीसिटी हमारे अंदर बहुत रहती है, हम एक बोलते हैं एक करते हैं। सो भगवान हमें यही चाहते हैं कि आप सिंपल रहो। सो सिंप्लिसिटी भगवान हमेशा रिकमेंड करते हैं, सिंप्लिसिटी। लेकिन हमको लगता है कि इस भौतिक जगत में जीना है तो हमको सिंपल रहेंगे नहीं चलेगा। यस, ये अनुभव किया जा सकता है, भौतिक जगत में सिंपल पर्सन को जीना बहुत कठिन होता है। लेकिन भगवान की ये इच्छा है, इसके लिए कठिन रहे तो भी हमको सरलता से जीना सीखना चाहिए, क्योंकि यह भगवान को पसंद है। सो भगवान के लिए हमको ये तपश्चर्या करनी चाहिए कि हम सिंपल सरलता से जिए। ओके वह कोई ऐसा कार्य न करे जो शास्त्र सम्मत ना हो, वह वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त मैथुन में रत ना हो। ओके अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पायन करना, यही वाणी की तपस्या है। अब यहाँ पे वाणी की तपस्या बोल रहे हैं भगवान। और क्या बोलते हैं मनुष्य को, अभी हम कई बार क्या है वो सच्चा है ना, हम कई बार किसी का मन दुखेगा ये सोच नहीं है, हम सोचते हैं ये तो सच है ना, हम बोले तो क्या हो गया। भगवान यहाँ बोलते हैं मनुष्य को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि दूसरों के मन क्षुब्ध हो। निस्संदेह शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थी को उपदेश देने के लिए सत्य बोलता है, उसको गधा भी कहेंगे तो उसको सुधारने के लिए शिक्षक बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं उसी शिक्षक को चाहिए यदि वह उनसे बोले कि उस हाँ जो यही बात वो उसके विद्यार्थी नहीं है ऐसे किसी को बोले तो उसका मन वो विचलित क्षुब्ध कर देते हैं, ये सही नहीं है। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त वाणी की तपस्या और क्या है कि प्रजल्प नहीं करना, इधर की बातें हमको जो भगवान ने वाणी दी है हम सोचते हैं उसका बेस्ट यूज है इधर की बातें करें। सो ये यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया है। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए शास्त्र सम्मत हो। यहाँ पे इसीलिए ये भगवद गीता यथारूपत हम उपयोग करते हैं, क्योंकि जो भी शास्त्र का बोला जाता है उसको कैसे बोलना है, ये जो भगवान से जो शास्त्र हमको प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वो परंपरा से हमारे तक आया है, उसको तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से हमको बोलना नहीं चाहिए। ये भी एक वाणी की तपस्या है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए, यही वाणी की तपस्या कही जाती है। ओके मन प्रसाद सौम्यम मौनम आत्म विनिग्रह।
भाव संशुद्धि तपो मानस मुच्यते तथा संतोष सरलता गंभीरता आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि ये मन की तपस्या है। अब भगवान बोल रहे हैं मन की तपस्या क्या है। सो यहाँ संतोष बताया है, हमको संतोष कैसे प्राप्त हो सकता है, मार्केट में मिलता है क्या संतोष कैसे प्राप्त होगा, मीना माता जी बताइए। बोलिए बोलिए जो भी मन में आता बोलिए। मन से ही संतोष प्राप्त होगा, मन को ही बस में करेंगे तो ही संतोष प्राप्त होगा। देखो ये थैंक यू। सो क्या होता है ना, जनरली क्या हमारी टेंडेंसी है, हमको जितना मिलता है उससे ज्यादा हम चाहते हैं और वो नहीं मिलता है तो हमको मन में दुख होता है, क्षोभ होता है। सो हमको जितना मिलता है उसी में हमको संतुष्ट रहना चाहिए। वो जो लालच है ना, लालच हमको दुखी करता है। संतोष सरलता गंभीरता, यहाँ पे देखो मन को संयमित बनाने का है, इंद्रिय तृप्ति से विलग करना, उसे इस तरह प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि जिसे सदैव परोपकार के विषय में सोचे। मन के लिए सर्वोत्तम प्रशिक्षण विचारों की श्रेष्ठता है। मनुष्य की कृष्ण भावना मृत से विचलित नहीं, मनुष्य को कृष्ण भावना मृत से विचलित नहीं होना चाहिए। इंद्रिय भोग से सदैव बचना चाहिए। सो इंद्रिय भोग के विचार जब मन में रहेंगे ना तो क्या हो जाता है, हम संतोष का अनुभव कभी नहीं कर सकते, क्योंकि जितना भी हमारे पास है हमारा वो लालच रहता ही है, मेरे को और चाहिए और चाहिए। ये जब लालच रहेगा तो संतोष को बाहर धक्का मार के बाहर निकाल देता है। जितना भी संतोष है जब वो और चाहिए जो आ जाता है, चलो संतोष तुम बाहर जाओ, मेरे लिए जगह नहीं है यहाँ पे। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, जितना देखो हमको जितना ज्यादा प्रयास किए बगैर जितना मिलता है भक्त उससे संतुष्ट रहता है, क्योंकि वो उसको मालूम है कि भगवान ने जो मेरे लिए दिया है, अपने कोटे के बारे में पूरा तो एग्जाम भी लिखा है, हमारा जितना कोटा है तो भगवान हमको वो जरूर देते हैं, तो इसके लिए यही मेरा कोटा है, मैं उसको देखूं उसके पास वो है, मेरे पास नहीं है बोल के दुख होने का कारण नहीं है। उसके कर्मानुसार उसको जो मिला है वो उसका कोटा है, मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मुझे जो मिल रहा है मेरा कोटा है, तो उसको देख के मैं दुखी क्यों जो हो जाऊं, मेरा अपना संतोष क्यों खो दूं। तो इसीलिए जब मनुष्य सरल होता है, अब गोल बेचा श्रीधर उसके पास क्या था, लेकिन वो संतुष्ट था क्योंकि भगवान की भक्ति कर रहा था, उसी में उसको संतोष था। तो हम अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो माया की सेवा करनी पड़ेगी, माया की सेवा करेंगे तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं रह सकते। देखो इंद्रिय भोग के बारे में हम जितना सोचते हैं उतना ही मन अतृप्त होता जाता है, मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, क्योंकि संतोष होने वाली कहानियों से भरा है, यथा पुराण महाभारत, कोई भी इस ज्ञान का लाभ उठाकर शुद्ध हो सकता है। ओके, मन का नियंत्रण, मन को इंद्रिय भोग से पृथक करना, मनुष्य अपने व्यवहार में निष्कपट होना चाहिए, इस तरह उसे अपने जीवन को शुद्ध बनाना चाहिए, ये सारे गुण मन की तपस्या के अंतर्गत आते हैं। श्रद्धया परया तप्तम तपस्त्रिविधम नरे फलाकांक्षीभिर्युक्त सात्विकम परिचक्षते। ये सात्विक ये क्या है, तप क्या है, यहाँ पे बताया है सात्विक तपस्या क्या है। तपस्या भी तीन प्रकार की है। सात्विक तपस्या है कि वो भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न, यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या है। सो भौतिक इच्छा, हम सोचते हैं कुछ भी कार्य करेंगे तो हम सोचते हैं मेरे को क्या मिलेगा, इसीलिए हमको यही लगता है कि हमको कुछ भी मिलने वाला नहीं है तो हम क्यों करें। सो हम सोचना चाहिए कि कर्तव्य समझकर हमको करना चाहिए, हम इस भौतिक जगत में आए हैं, भगवान ने हमको कुछ कर्तव्य दिए हैं, उस कर्तव्य का पालन करना है, इसीलिए मेरे को ये काम करना है। हर चीज हम फायदे और तोटे के हिसाब से सोच के नहीं कर सकते।
सत्कार मान पूजार्थम तपोदम्भेन चैव यत्क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसं चलम अध्रुवम। जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा मान सत्कार एवं पूजा करने के लिए संभव की जाती है वह राजसी कहलाती है, यह तो न स्थायी होती है न शाश्वत। महाशिव प्रभु जी ने इस मामले में एक कथा बताई थी, कोई एक व्यक्ति साल भर गुफा में ये करता था, कौन बोलेगा? गुफा में साल भर कोई व्यक्ति ये करता था, रहता था और एक दिन बाहर आता था। सो फिर आगे कौन बोलेगा? ललिता माता जी बोलिए। हाँ माता जी, वही प्रभु जी ने बताया था कि एक बाबा जी थे, वो साल भर गुफा में रहते थे, केवल 365 दिन में से एक ही दिन बाहर आते थे और उन्हें अपनी पूजा और मान प्रतिष्ठा का लालच था। तो एक बार ऐसा हुआ कि गिनने में गलती हो गई थी तो लोग आए नहीं, कोई भी भीड़ एकत्रित नहीं हुई, तो उन्हें वो बहुत बुरा लगा था। तो उनके शिष्यों ने बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो आदमी को मान प्रतिष्ठा से जब ऊपर उठ जाते हैं तो किसी भी चीज का बुरा नहीं लगता। मैं इतना ही समझ पाई। वेरी गुड। वो तपस्या तो कर रहे थे लेकिन किसके लिए? पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए। नहीं तो साल में एक बार मेरे को बाहर आना है, कोई आने दो ना आने दो, लेकिन उनका नहीं था, जब निकलू तो लोग सब मेरा आदर सत्कार करना, पूजा करना। मूढ़ ग्राहेणात्मनो यत् पीड़या क्रियते तपः परस्योस्ता परस्य उत्साधनार्थं वा तप्तामसमुदारुतम्। ये तामसिक तपस्या क्या है? मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी तपस्या है। एग्जाम्पल है, देखो यहाँ पे बताया है कि हिरण्यकश्यपु का वो अमर बनना बनने के लिए, देवताओं का वध करने के लिए उसने तपस्या की, घोर तपस्या की। किसी असह वस्तु के लिए तपस्या करना निश्चित तामसी तपस्या है। दात, अभी दान के बारे में भगवान बता रहे हैं। दातव्यम इति यद्दानं दीयते दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्। जो दान करते समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योग्य व्यक्ति को दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। देखो, प्रत्युपकार की आशा किए बिना मैं दूंगा तो मेरे को ये मिलेगा, ये सोच के हमको दान नहीं देना चाहिए। वैदिक साहित्य में ऐसे व्यक्ति को दान देने की संस्तुति है जो आध्यात्मिक कार्यों में लगा हो। ओके, यहाँ पे देखो, और कब देना चाहिए? किसी तीर्थ स्थान में, सूर्य या चंद्र ग्रहण के समय, मासांत में, या योग्य ब्राह्मण अथवा वैष्णव को मंदिर में दान देने की संस्तुति है। बदले में किसी प्रकार की प्राप्ति की अभिलाषा न रखते हुए ऐसे दान किए जाने चाहिए। कभी कभी कई लोग क्या करते हैं ना कि किसी को ब्राह्मण को दान देना है, बताया है यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई गरीब व्यक्ति है ना, इसको वो भिखारी है। एक बार हमने देखा हमारे ही नेबरहुड में कि एक भिखारी था और किस कब कब कोई ऐसा कोई ये ओकेजन था, कोई ये था, तो उसके पर्व था, तो उस माता ने वो भिखारी को बुला के उसको चप्पल ये वो सब ऐसे दे दिया। मीन्स तो यहाँ पे ऐसा बताया है, यदि निर्धन को दान देने योग्य, यदि निर्धन दान देने योग्य पात्र नहीं होता तो उससे आध्यात्मिक प्रति नहीं होती। यहाँ पे क्या है, अगर उसको पैसे दे दिए, अगर वो पीने का शौकीन है, मांसाहार का शौकीन है, तो क्या हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को आप धन दोगे, कुछ भी दोगे, नहीं तो उसको अच्छा चप्पल भी दोगे, वह क्या करेगा, बेच के क्या करेगा, उसके पैसे जो आएंगे शराब पिएगा, सिगरेट फूकेगा, ऐसे पूरा करेगा, तो वो जो पाप करेगा। अब हम ये सोच सकते हैं, कोई बोल सकता है, अरे हमने अच्छे इंटेंशन से दिया, वो क्या करता है, हमको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन यहाँ बताया गया है इससे आध्यात्मिक प्रगति नहीं होती। और शास्त्र में बताया है कि ऐसे पाप के आप भी भागीदार होते हो, अगर वो कुछ उस पैसे से पाप करता है तो उसका पाप का हिस्सा आपको भी लेना पड़ेगा। यत्तु प्रत्युपकारार्थम फलम उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम्। किंतु जो ध्यान दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है वह रजोगुणी कहलाता है।
दान कभी स्वर्ग जाने के लिए दिया जाता है तो कभी अत्यंत कष्ट से तथा कभी पश्चाताप के साथ। सो कभी कभी हमारा इंटेंशन रहता है कि ये दान देने से हम स्वर्ग में हमको स्थान मिलेगा, कभी कभी हम कष्ट से बोले तो देने का मन नहीं करता है, फिर भी अनविलिंगली हम देते हैं, कभी कभी पश्चाताप के साथ, अरे मैंने इतना पैसा क्यों दिया, हमको पछतावा सा रहता है, मेरे को नहीं देना था ना, क्या फायदा है ऐसा करके बोल के। कभी कभी अपने वरिष्ठ जनों के दबाव में आकर हम देना नहीं चाहते हैं, हमारे वरिष्ठ है नहीं ऐसा दे दो, अब बच्चे देना नहीं चाहते हैं, कभी कभी माता पिता फोर्स करते हैं, अरे देना चाहिए दे दो ना, अनविलिंगली वो देते हैं। तो यहाँ पे बताया है ऐसा दान रजो गुणों में गण में दिए गए माने जाते हैं। ओके अदेश काले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्ताम् असमुदारहृतम्। तथा जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में अयोग्य व्यक्ति को बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। देखो मद्यपान द्रुत क्रीड़ा ऐसे ऐसे जगह के बाहर भी कुछ कुछ कोई भिखारी दान मांगने को बैठते हैं, तो ऐसे लोगों को दान देने से वो क्या है सीधा जाएगा द्रुत क्रीड़ा में उधर बैठ जाएगा, नहीं तो शराब खाने में जाके मद्यपान करेगा। सो ऐसा दान नहीं देना चाहिए, ऐसा दान लाभदायक नहीं होता, इससे पापी पुरुषों को प्रोत्साहन मिलता है। उसी प्रकार देखो यदि हम दान देते हैं वो ब्राह्मण वो एक्सेप्ट करने वाला सही व्यक्ति रहे तो भी यदि हमारा भाव अच्छा नहीं है, हम उनका सम्मान नहीं करते हैं, उनको ध्यान देके अच्छी से उनकी तरफ ध्यान देके हम नहीं ओके कोई मांग रहा है, अच्छे देखो अच्छे गुरु भी भिक्षाटन को जाते हैं तो कई बार उनको इंसल्ट करके भगा देते हैं, नहीं तो कुछ तो भी मीन्स रिलक्टेंटली हम कुछ भी दे देते हैं, तो ये दान भी तामसिक कहा गया है। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मण ब्राह्मण त्रिविध स्मृत ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करते हैं, करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम का सत ओम तत्सत बोले तो भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी ओके परम सत्य, इनके लिए ओम तत्सत इन शब्दों का उपयोग होता है। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती हैं। हमने देखा है कहीं भी पूजा पाठ होता है कहीं भी हवन होता है तो ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत बोलते हैं। ये ओम तत्सत क्या है कि भगवान को एड्रेस करके, ये भगवान मीन्स भगवान को एड्रेस करके ऐसा बोला जाता है। देखो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि तपस्या यज्ञ दान भोजन ये तीन भेद है हरे सात्विक राजसिक तामसिक, लेकिन चाहे ये उत्तम हो मध्यम हो या निम्न हो ये सभी बद्ध तथा भौतिक गुणों से कलुषित है। सात्विक ज्ञान सात्विक रहे वो राजसिक रहे तामसिक रहे ये तीनों गुणों के अंतर्गत तीनों गुणों का असर जब हम ये कोई भी करते हैं तपस्या यज्ञ दान भोजन तो तीनों गुणों से कलुषित रहता है, लेकिन जब ये ब्रह्म या ओम तत्सत को लक्ष्य करके किए जाते हैं तो आध्यात्मिक उन्नति के साधन बनते हैं। लेकिन जब ये करते समय हम ओम तत्सत बोलते हैं तो हमको क्या है हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है, वो तामसिक रहे तो भी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है यदि ओम, लेकिन देखो तामसिक देने वाला उसको ये ओम तत्सत याद भी रहेगा क्या? सात्विक करने वाले को भी ये ओम तत्सत याद नहीं रहेगा, हम लोगों को भी याद नहीं रहता है, हमको बस हरे कृष्णा याद रहता है। सो ये ओम तरह इसका अर्थ मालूम रहे तो भी उस टाइम पे याद आना जरूरी है, लेकिन अगर हमको याद आ जाता है तो क्या है कि वो कुछ भी कलमस से मुक्त हो जाता है और हमारी आध्यात्मिक प्रगति हो सकती है इन शब्दों का उपयोग करने से। ओके जब कोई इन तीनों शब्दों के द्वारा तप दान तथा यज्ञ संपन्न करता है तो वह कृष्ण नामृत में कार्य करता है।
ओके सो अगर ये तीनों शब्दों का उपयोग करके ये कोई भी हम कर्म करते हैं ये कृष्ण वो तामसिक कर्म भी कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है बोलते हैं भगवान यहाँ पे। तस्माद् ओम इति उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रतन विधानों का सततम ब्रह्मवादिनाम। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम गलत काम भी करें और ओम तत्सत बोले। भगवान हमारा इंटेंशन जानते हैं कि ओम तत्सत का प्रभाव जानने के लिए तामसिक काम करके भी ओम तत्सत बोल रहे हैं क्या, लेकिन ओम तत्सत का इतना प्रभाव है कि वो तामसिक काम कर्म हो गया हमसे तो भी वो क्या है हमको आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाता है, लेकिन इंटेंशनली नहीं करना है। ओके अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। और इसीलिए योगी जन बोले तो भगवान से जुड़े हैं ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, विष्णु के चरण कमल परम भक्ति के आश्रय हैं, भगवान के लिए संपन्न हर एक क्रिया सारे कार्य क्षेत्र की सिद्धि निश्चित कर देती है। सो इसीलिए हम जो हवन करते हैं यज्ञ करते हैं ओम तत्सदिति ओम तत्सदिति ओम तत् विष्णु हो ऐसे तो प्रोनाउंसिएशन आते ही रहते हैं। सो इससे यज्ञ करने वाला और यज्ञ में जो देखो बैठे हैं जो अटेंड कर रहे हैं सभी का शुद्धिकरण हो जाता है, इसलिए ऐसे यज्ञ हवन वगैरह हमको अटेंड करने चाहिए। दातव्यम इति तदित्य अनभिसंधाय फलम यज्ञ तप क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा के बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे, ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्ति होता है। सो ओम तत्सत ये याद रखना है, मैं तो भूल जाऊंगी, मैं आपको बोल रही हूँ आप लोग याद रखिए, तो यहाँ पे भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएंगे बोल के यहाँ पे बताया है। चरम उपलब्धि है सद्भावे साधु भावे च सदित्ये तत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्शब्द पार्थ युज्यते यज्ञे तपसी दाने च स्थिति सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्यो देवाभिधीयते। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है। सो हम भक्ति से जो यज्ञ करते हैं, यज्ञ करना क्या है भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करना। सो परम सत्य के लिए जब हम करते हैं और उसे सत शब्द से अभिहित क्या सत शब्द बोलते हैं तो ऐसे यज्ञ संपन्न करता भी सत कहलाता है, ऐसा करने वाला भी सत कहता है। सत बोले तो क्या है शाश्वत। जिस प्रकार यज्ञ तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं सत हैं। सो ये भगवान भी सत है, भगवान के ये सारे ये भगवान के लिए कहे जाने वाले कर्म भी सत है और करने वाला भी सत है। ओके वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित है गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु है। ओके अश्रद्धया हुतम दत्तम अपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। हे पार्थ अब यहाँ श्रद्धा के साथ करने से क्या हो जाता है बताया है। अब यहाँ पे बता रहे हैं श्रद्धा नहीं है ऐसा बगैर श्रद्धा के भी जो करता है उसका क्या फल मिलता है। श्रद्धा के बिना यज्ञ दान तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है वह कहलाता है। इस जन्म अगले जन्म दोनों में ही वो व्यर्थ जाता है। ओके समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता, इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत के कार्य करे
वो इस सब प्रकार से सफल होने का यही एक मार्ग है। तो गुरु के मार्गदर्शन में, क्योंकि हमारी समझ इतनी नहीं है, इसके लिए हम जो भी करते हैं, प्रभु जी ये सही है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या पूछे तो अच्छा है। ओके, यद्यपि सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, सतोगुण जो है रजो और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। वो क्या है, वो शुद्ध सत्व में रहता है। शुद्ध भक्त की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब कालक्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है, पहले हमको भगवान में श्रद्धा होनी चाहिए, और ऐसे श्रद्धा के साथ हम जो ऐसे कार्य करते रहते हैं तो इससे ईश्वर, तो वह ईश्वर प्रेम बन जाता है। वही ईश्वर प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। सो ईश्वर प्रेम प्राप्ति करना यही सारे जीवों के जीवन का चरम लक्ष्य है। सो अतः मनुष्य को चाहिए सीधे कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। थैंक यू, हरे कृष्णा। किसी का कोई डाउट है, किसी का कुछ एक्सप्लेनेशन है और कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए माता जी, प्रभु जी, कोई भी कुछ बोलना चाहता है। हरे कृष्णा। अर्चना, आप भी कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। और कोई है, किसी को कुछ बोलना है? देखिए, भगवत गीता से यहाँ पढ़ लिया है, आपके आचरण के अनुसार कुछ भी माता जी हम लोग ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं तो ठीक है। खगेंद्र प्रभु जी, सुदर्शन प्रभु जी, कुछ डाउट है क्या? नहीं नहीं माता जी। कल हमारे सेशन का आखिरी दिन है, तो आखिरी दिन को क्या लेके जाएंगे? बहुत सारा ज्ञान। ज्ञान देखिए, ज्ञान लेके जाएंगे, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो विज्ञान में जब तक परिणित नहीं होता तो फिर वो भूल जाते हैं। हमारा ये स्वभाव है ना भूलने का, तो विज्ञान में कैसे इसको ये करेंगे, आचरण में क्या क्या लाएंगे? सभी फॉलो करने का कोशिश करेंगे। ओके, आप भगवत गीता सबके पास है तो आप थोड़ा थोड़ा, एक चैप्टर में नहीं बोलती, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा होता है, एक चैप्टर छोटा होता है, कम से कम 2 श्लोक या आप मैक्सिमम 5 श्लोक ऐसा आप पढ़ के आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ जो भी कहा है उसके अनुसार थोड़ा तो भी समझ में आएगा, अगर नहीं आएगा तो उत्तम उपाय है पास वाले मंदिर में आपको जाके, और हमने ऑलरेडी बोल दिया है कि यहाँ पे अगर डिटेल में हो जाएगा तो आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। You are welcome. So we will be waiting for you people. Okay? So हम आपका इंतजार करेंगे। So आपकी मर्जी है, ज्वाइन होना है नहीं होना है, हम चाहेंगे आप ज्वाइन हो जाए। Okay? तो इसलिए, नहीं तो कम से कम इस भगवत गीता को अपने घर में रेगुलरली पढ़िए। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मंदिर जाते हैं या किसी सत्संग से जुड़ जाते हैं, इस्कॉन के किसी ऐसा सेंटर से वगैरह, तो आपको वहां से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके, सो हाँ, सो आर यू हैप्पी विद द कोर्स? जी माता जी। यस माता जी, बहुत बहुत। एनी सजेशंस, एनी कमेंट्स फॉर द कोर्स? आपको एड्रेस, ईमेल, सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए तो आपको एड्रेस, ईमेल पूरा आपको देना होगा। ओके, Are you interested in a certificate? नहीं। हरे कृष्णा। माता जी, ज्ञान मिल गया वही बात है। ज्ञान मिल गया बड़ी बात है, आगे कुछ नहीं चाहिए। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। हरे कृष्णा, कल लास्ट डे है। ओके, वांछाकल्पतरुभ्यः कृपा सिन्धुभ्यः वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम।
हरे कृष्णा माता, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।